जय धर्मेश, जय चाला। दोस्तों, मैं आज ब्राह्मे मुड़मा रांची सरनस में संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज हमारे समाज को जिस तरह से बनाना चाहेंगे, जिस तरह से समाज का निर्माण करना चाहेंगे, उसी तरह से अच्छा या बुरा निर्माण हो सकता है। आज ना पहले से हमारे समाज किस स्थिति में था, कैसा था और क्या स्थिति में, सबको पता है। तो हमारे जो भूल हुआ या जो गलतियाँ हुआ या किसी तरह से कोई समस्या हुआ, जो भी हुआ, जो बीत गई वो बात गई, लेकिन आप आगे हमें एक ऐसा और सुंदर समाज का निर्माण करना है और ऐसे समाज जिसमें प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के अनुसार हम लोग अच्छा व्यवहार और सुंदर व्यवहार के साथ में सबका हित, सबका भला और सबको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सरना से हमारे धर्म दीदी है, वो अपना खुद परिचय देते हुए समाज को एक बेहतरीन संदेश देगी। जय धर्म। मेरा नाम बिरसो कुमारी भगत है। मेरा नैहर डाढ़ा भड़गा गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ससुराल माड़ी दर्मी टोली पोस्ट डाड़ी थाना लापुंग जिला रांची में, और मैं रूम रेंट में बजरा में रहती हूँ। और प्रत्येक गुरुवार को ब्राह्मे सरना आती थी, पर लॉकडाउन के चलते मुझे 8 महीना नहीं आना पड़ा और मैं आती थी बीच बाच में रविवार में, जब भी फुर्सत मिलता था तब आ जाती थी। लेकिन घर में रोज सुबह शाम पूजा पाठ करती थी। जब यहाँ नहीं आने बोला गया किसी कारणवश, तब मैं चित्रकोटा सरना गई थी और वहाँ पूजा पाठ की और कोरोना का पूरा हवा चला था। उस टाइम मैं बोली वहाँ का भगत भक्ताइन लोगों से कि देखिए तो झारखंड में कोरोना को मत आने बोलिए, और वो किनारे किनारे चला जाएगा। तो वे लोग अपना चाला माँ से अर्जी विनती किया और देखा तो उसमें चाला आयो बोली कि आने को तो आएगा लेकिन हम आदिवासी को, कुड़खर भाई को टच भी नहीं करेगा, ऐसा कह के भविष्यवाणी किया। तो सब लोग हंसा, मैं तो नहीं हंसी, मुझे बहुत विश्वास है और मैं यही विश्वास सोच से रही। और फिर घर गई, मतलब उस दिन था 19 तारीख मार्च महीना 2020 और 21 से लॉकडाउन लग गया, 23 से पूरा इंडिया में लगा, तब से मैं ब्राह्मे सरना नहीं आ पा रही थी। ऐसे चाला माँ में विश्वास होता है, लोग भगत भक्ताइन को मतलब डाइन धरता है, दूसरे को लड़ाता है, झगड़ाता है, ऐसा कहता है, लेकिन ये गलत है। भगत भक्ताइन गति देता है, निर्देश देता है, पथ प्रदर्शक है, धर्मगुआ गण समाज सेवा लोग आदमी को एकजुट कर रहा है। जैसे चितरंजन बाबू लोग हुए, घूम घूम के पूरे प्रचार कर रहे हैं और आदमी को जोड़ रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। भले मैं तो घर से ही करती हूँ और ब्राह्मे है, पूरा घूमने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिश करूँगी कि कल को मैं भी चितरंजन बाबू से साथ हूँ और ऐसे काम करूँ। तो भगत भक्ताइन लोग को बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर भगत भक्ताइन को किसी को मुराने का ताकत रहता, मृत्यु दंड देने का ताकत रहता, तो ये लोग तो जिसको चाहता अपने से दुश्मनी रहता उसको मार देता, लेकिन ये बात नहीं है। ये जन्म मरण तो सर्वव्यापी है, जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही है, किसी ना किसी दिन मरने के लिए कोई कारण या बहाना तो होना ही चाहिए, तब लोग मरेगा। तो लोग भगत भक्ताइन को बोलता है कि ये लोग ऐसा करता है, ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो डायन बिसाही पर विश्वास करता है उन लोगों के लिए मैं विशेष कहना चाहती हूँ, क्या सरकार बुद्धू है जो जितने नौजवान को सेना में भर्ती करता है तो वो सेनाओं के बदले डायने लोग को बहाल करते और मतलब बॉर्डर, चीन बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर में बैठा देते और बोलते यहाँ से एकदम उन लोग को नासो और मुरा ताकि ये लोग इंडिया में ना आ पावे, लेकिन वैसा बात तो नहीं है। तो ये तो गलत बात है, सभी को डायन बिसाही हर दुनिया में ये बात को भूल जाना चाहिए
ऐसा पावर किसी को नहीं है। ये लोग अच्छाई के लिए काम करते हैं, गांव गांव जाके शांति प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, एक दूसरा को जोड़ते हैं। कितने हमारे सेना शहीद हो जाते हैं, कितना चिराग बुझ जाता है, कितना घर की महिलाएं विधवाएं हो जाती है। तो ऐसा पावर रहने से तो सरकार एकदम गांव गांव आदमी छोड़ता कि डाइन लोग को खोजो और बॉर्डर में बैठा करता, लेकिन ये बात नहीं है। भगत भक्ताइन अच्छा काम करता है। आज मैं ये और एक प्रमाण देना चाहती हूँ, शुक्रो भक्ताइन से आज पूछूंगी कि केंद्र से मुझे सरना कोड मिलेगा कि नहीं। मुझे आदिवासी कोड नहीं चाहिए, मुझे सरना कोड चाहिए। मैं सोच छोटा सोच रखती हूँ, छोटा मतलब विचार रखती हूँ, इसलिए जो मुझे सरना कोड चाहिए। तो आज मैं पूछूंगी कि चला आयो, हम लोग को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं बतलाएंगी, तब लोगों को और विश्वास होगा कि बरामदे सरना में क्या ताकत है। जो बाहर है, देश से बाहर है या तो इंडिया के कोने कोने में है, वे लोग आवे बरामदे मुड़मा का दर्शन करें, यहाँ से लाभ लेवे, बल्कि हमसे भी मिले। हम यहाँ का कमी बेसी के लिए लोगों को बतलाती हूँ, बतलाते रहूँगी जब तक सकूँगी, कोशिश करते रहूँगी, है ना। तो और का बोलें, काफ़ी लेट हो रहा है, औरों को समय देना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए। 12 बज रहा है इसलिए एक भजन होना चाहिए। और दिन तो गाना नहीं मतलब और करती हूँ, उठाती हूँ, पर आज तो आपके भजन से पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी। जैसे हमारे जो समाज के धर्म भान लोग आते हैं, अगुवाई कर रहे हैं, वो एक तरह से गुरु है। गुरु जैसे यहाँ पर जो हमारे धर्म दीदी आप कर रहे हैं, शुक्रो जी है और बहुत सारे सर नाम कर रहे हैं, गुरु है, समाज के लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, उजाला कर रहे हैं। और बहुत सारे अन्य जैसे भगत भक्ताइन जो होते हैं, वो लोग लड़ाने भिड़ाने और समाज को तोड़ने का बहुत सारे काम किए, इसमें कोई दो मत नहीं। ये सभी लोग भगत भक्ताइन से नफरत भी करते हैं, लेकिन मैं अब सरनाम घूम घूम के इस चीज़ को हम देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि ये लोग एक गुरु है, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं की गुरुवाई में देखें यहाँ पर कितने दुखी दखी या परेशान होने वाले जो है वो ठीक हो रहे हैं। जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आओ, यहाँ पर आके ठीक हो रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना, जो डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं उसको भी यहाँ ठीक कर रहे हैं। तो जैसे और दीदी एक चीज़ और बता रही थी कि मतलब जो बॉर्डर में सही बात है, काज अगर किसी को हम लोग डाइन बिसाई बोल के तड़पाते हैं, मारते हैं, और उनकी जो दर्द और कर्राहट और उनकी परेशानी को हम समझ नहीं पाते हैं। अपने ही समाज के लोग, अपना ही लोग परेशान करते हैं कि डाइन है बिसाई बोल के। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको परेशान कर रहे हो तो क्या उनके अंदर अगर ताकत रहता तो 3 साल 4 साल 5 साल से जुल्म सहते रहते? क्या नहीं सहते ना? वो लोग तो उनको परेशानी करते कि नहीं करते, लेकिन वो लोग जुल्म सहते रहते। इसलिए इस प्रकार से अंधविश्वास से हमको ऊपर उठ के एक सुंदर समाज, सुंदर आदिवासी समाज का निर्माण करना चाहिए। चलिए आप भजन। अच्छा और एक बात बोलती हूँ, जैसे कोरोना हमारे आदिवासियों को एक भी नहीं मराया है। जिसको पहले से जैसे निमोनिया हुआ, थायराइड हुआ, शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, मतलब तरह तरह के बीमारी जिसको था, वही लोग मरा है। एक भी आदिवासी कुड़खर कोरोना से नहीं मरा है, क्योंकि हमारे आदिवासी प्राकृतिक से कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे साफ सफाई रहना है, इसको हमारे आदिवासी कुड़खर भली भांति जानता है। जिस कारण कोरोना पूरा विश्व को हिला दिया है, लेकिन हमारे आदिवासी को एक भी नहीं मतलब हिलाया है। एक ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बात है। भजन तो अच्छा, अगर गलती होगी भजन में मैं तो बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ, पर शुरुआत की जो मतलब कोशिश कर रहा था कि चाला टुंका बहार दाम निंगा बिनु आयो जाने माला लगी निंगा बिना आयो नाओ माला लगी चाला टुंका बहार दाम निंगा बिनु आयो।